30 को जन्मे हैं अगर आप, तो चुंबकीय आकर्षण लिए आपका व्यक्तित्व है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। जिद और मृदुता दोनों ही आपके स्वभाव में देखने को मिलती है। कॉन्फिडेंस गजब का, विचार आपके दार्शनिक, पढ़ाई में अव्वल, सबकी पहली पसंद, सबके प्रिय, यहां तक कि अपने गुरुओं के भी प्रिय, लोगों की दिल खोलकर मदद करने वाले, पैदाइशी लीडर, ईमानदार, बिंदास लाइफ को जीने वाले, और सबसे बड़ी बात सच बोलने वाले, झूठ ना बोलते हैं ना सुनते हैं, घूमने फिरने के शौकीन, खुले दिल वाले, स्पष्ट बात करने वाले, दिल से हमेशा जवां, कुछ नया करने की चाह रखने वाले, ऐसे होते हैं 30 तारीख को जन्मे लोग। अब 30 का ये अंक चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके नाम के अंकों का जोड़ हो, या आपका लाइफ पाथ नंबर हो। लाइफ पाथ नंबर यानी कि अगर आपका जन्म 19/9/2009 में हुआ है, तो आपका बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर और ईयर नंबर, यानी कि पूरे की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दीजिए, और जो जोड़ आएगा अगर वो 30 या 3 आता है, तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ। इसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ईश्वर ने आपको इस 30 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया है? ये 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को जन्मे बाकी मूलांक 3 के लोगों से इतना अलग क्यों होते हैं, जानेंगे हम इसको भी गहराई से। लेकिन पहले जान लेते हैं कि 30 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं, इनकी कुछ दिलचस्प और गूढ़ बातें जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आपका व्यक्तित्व दूसरों को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला होता है। आपकी वाणी से आपके विवेक, आपकी समझ बुझी का पता चलता है। इसीलिए अक्सर लोग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते रहते हैं। आपकी सोच पॉजिटिविटी को दर्शाती है। आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, रिस्पेक्टफुली बात करने वाले और दूसरों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं आप लोग, अकेले ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेते हैं। काफी एम्बिशियस है, हर चीज को गहराई में जाकर समझते हैं। काम को परफेक्शन के साथ करना ही आप पसंद करते हैं। जीरो से शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की, और लाइफ में एक ऊंचा मुकाम पाकर ही रहते हैं। वर्बल और राइटिंग स्किल आपकी बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए आप किसी ना किसी आर्ट क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं, कला के क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में अपना समय नष्ट करने लगते हैं, अपनी एनर्जी भी जरूरत से ज्यादा वहां वेस्ट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना होगा इस बात पर, आपका जन्म ज्ञान बांटने के लिए हुआ है, छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए नहीं हुआ। आपको अपना एक अलग रुतबा, एक अलग स्टेटस बनाकर चलना होगा। इन छोटी छोटी बातों से आपकी इमेज ही खराब होगी, कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। 30 का ये अंक ज्ञान, समृद्धि, दूसरों को बरकत देना, अपनी समझ बूझ से आगे बढ़ना, दूसरों के प्रति सद्भाव रखने वाले होते हैं आप। आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई भी आपसे नाराज ना रहे। लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते ही रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, समाज में एक ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। लोगों से आपको बहुत ही मान सम्मान मिलता है। जहां भी जाते हैं अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़कर जाते हैं, यानी कि वहां से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं। थोड़ा सा गुम रहते हैं अपने आप में, दूसरों की मदद करने के चक्कर में भी आप कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का और अपनी दिनचर्या में भी लापरवाही कर बैठते हैं दूसरों की मदद करते करते। बहुत ही ग्राउंडेड फिगर होते हैं आप, सादगी पसंद लोग, जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं। शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके लिए भी काम करते हैं या जिन लोगों से भी आप जुड़ते हैं, उनके लिए आप एक लक फैक्टर बन जाते हैं, लेकिन अपने मामले में, अपने मैटर में आप लापरवाही बरतते रहते हैं। लोगों की मदद करना किसी भी रूप में, ये आपके जीवन का मूल आधार है। आप लोग दूसरों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं और इसी चक्कर में अपने आप को भी भूल जाते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे बिना डरे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करते हैं, और जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक शांत भी नहीं बैठते हैं। बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, दिन रात की परवाह नहीं करते हैं, और तब तक रुकते नहीं है, बैठते नहीं है जब तक कि आप थक नहीं जाते। लेकिन तब भी आपका दिमाग मानसिक रूप से उसी काम में एक्टिव रहता है, और यही है आपकी सबसे बड़ी खासियत जो आपको
सफलता दिलाता है, भाग्यशाली बनाता है। आप लोग एक पैदाइशी लीडर होते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में लीड करने को मिले तो आप एक बेहतर लीडर या बेहतर मैनेजर साबित होते हैं। टीम को संभालना हो या किसी भी परिस्थिति से निपटना हो तो आप हर काम बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं बिना परेशानी के। आपकी तार्किक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। आप लोग सिक्के के दोनों पहलू को अच्छी तरह से समझ बूझ कर ही कुछ डिसाइड करते हैं। क्रिएटिव माइंड के हैं, हर काम को डिफरेंट तरीके से इंजॉय करके अपने काम को कंप्लीट करते हैं। मतलब काम को भी आप इंजॉय करते हैं। तभी इस राशि के लोग ज्यादातर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कलाकार या एथलीट इस टाइप के होते हैं। धन कमाने के मामले में भी आप बेहद लकी होते हैं। मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी आपका पूरा साथ देती है। अब वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर मामले में आप लकी साबित होते हैं। बेहद ईमानदार होते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गलत तरीकों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने विश्वास और अपने नैतिक मूल्य के प्रति आप बेहद दृढ़ होते हैं। दयालु स्वभाव के हैं, इसलिए लोग आपका फायदा भी खूब उठाते हैं। बेहद विश्वसनीय भी हैं। आप लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। अगर आप इनके अच्छे दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं तो जान लीजिए कि 30 के अंक वाले जिंदगी भर आपके साथ खड़े हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, साफ बात करना पसंद करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से चिढ़ते हैं, एनर्जेटिक हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं, अपना 100% देते हैं। आपकी सबसे अच्छी बात, बहुत ही संतोषी हैं, डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की आप इच्छा नहीं रखते। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। हर पल को जीने में बिलीव करते हैं। लाइफ के हर पल को जीना चाहते हैं आप। और यही बात आपके दोस्तों, आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हौसला बहुत है आप में। किसी भी काम के लिए दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बंद कर काम करना पसंद नहीं करते। समय के साथ अपनी रणनीति भी बदल लेते हैं, बदलते वक्त के साथ चलना पसंद करते हैं। आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है और इसी से अपनापन भी झलकता है। महफिल की जान है। अपनी हेल्थ को लेकर आप काफी अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, खास करके मानसिक रूप से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास के दम पर विपरीत परिस्थिति से भी जल्दी ही बाहर निकल आते हैं। अक्सर आपको जोड़ों का दर्द, फेफड़े, गले, स्किन संबंधी, लीवर संबंधी समस्या से ज्यादा ग्रसित देखा गया है। जीवन के अंतिम दिनों में आपको दिमागी रूप से बीमारियां अक्सर घेर लेती हैं। बात अगर 30 तारीख को जन्मी लड़कियों और महिलाओं की जाए तो बेहद खुश मिजाज होती हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मैच्योरिटी लेवल की होती है। धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, दयालु है, विश्वसनीय है, मानवता में विश्वास रखने वाली होती हैं। हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। ये महिलाएं बहुत आधुनिक तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, इनकी विचारधारा जरूर खुली होती है। लेकिन ये अपनी लिमिट्स में ही रहना पसंद करती हैं। दोस्ती के मामले में बहुत चूजी होती हैं। दिल की साफ होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। बात को घुमा फिरा कर करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। महत्वाकांक्षी होती हैं। लोगों से किस तरह से काम निकलवाना है इन्हें अच्छे से आता है। 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3। अगर आप 30 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी मूलांक 3 पर बनी वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी और गहरी बातें जानने को मिलेंगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूलांक 3 का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए जानते हैं 30 के इस अंक को और भी अधिक गहराई से। 30 का ये अंक विचारों का संतुलन है। 30 का ये अंक गहराई से सोच विचार का सूचक है, भौतिकवाद का सूचक है। बहुत ही शक्तिशाली अंक है ये, किंतु इसकी शक्ति व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा पर, उसके डिजायर्स पर निर्भर करती है। अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढने वाले, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाले, किसी भी इंसान में अच्छाई सबसे पहले देखने वाले, बहुत ही होपफुल और सपोर्टिव पर्सन होते हैं 30 के अंक वाले। 30 का ये अंक यानी कि अपने आप में संपूर्ण, पीछे लगा हुआ शून्य इन्हें संपूर्ण कर देता है। 3 के अंक की वाइब्रेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। 3 के पीछे लगे शून्य के इस अंक को और भी अधिक गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं तो शून्य पर बनी
मेरी वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। ये शून्य बहुत कुछ समझाता है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। 3 के अंक को ध्यान से देखो, इसमें ओंकार की शेप नजर आती है और साथ में है शून्य। इन लोगों को कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य भी अगर किसी के काबू आता है तो वो है गुरु, गुरु बृहस्पति। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो किसी गुरु वाले के साथ इनको जोड़ दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य की पार्टनरशिप अगर किसी के साथ काम करेगी तो वो है गुरु के साथ, क्योंकि सूर्य में ईगो बहुत ज्यादा है। वो अगर किसी की बात मानेगा तो सिर्फ गुरु बृहस्पति की। वो राजा है और वो गुरु। गुरु बृहस्पति एक ऐसी वाइब्रेशन है जो किसी भी वाइब्रेशन को काबू कर सकती है, किसी भी प्लेनेट को काबू कर सकती है। सिर्फ गुरु ही सही दिशा प्रदान कर सकता है। यहां पर हम थोड़ा सा 3 और 30 के अंतर को समझते हैं। 3 अंक वाला, उसके पास बहुत नॉलेज होगी, सारी चीजों का भंडार होगा, ज्यादा एक्सप्रेस करने वाला होगा, बुद्धिमान है, विवेकी है, अपनी बात को अच्छे से समझाने वाला होगा। लेकिन यही 30 का अंक, ये भी एक्सप्रेस करने में ज्यादा अच्छा होगा लेकिन इसमें ह्यूमर ज्यादा होगा, ये बेहतर तरीके से क्रिएट कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा लाइवली होगा। ये 30 का ये अंक वाला अपनी बात को कुछ इस तरह से बेहतर प्रस्तुत करेगा कि आपको महसूस अंदर से होगा, यानी कि आपको लगेगा कि आप उस चीज को जी रहे हैं, आप उसकी कही बात को अंदर से फील करते हैं, जीते हैं, लाइव हो जाते हैं उस चीज के साथ। यही अंतर है 3 और 30 के बीच में। अब लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं, इतना मान सम्मान पाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वक्त के बाद ईगो बहुत ज्यादा हो जाती है। आपकी स्पष्टवादिता कई बार आपकी ही शत्रु बन जाती है। आपके अंदर अहंकार की भावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आपकी डिजायर्स बढ़ने लगती हैं। जो बातें आप सामने खुलकर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर उसको पनपने देते हैं और एक बार को कुंठित भी होने लगते हैं अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए। यहां आपको समझना होगा कि आपके अंदर ये सब बातें एक गुरु को शोभा नहीं देती हैं। इसलिए आपको अपनी अहंकार की भावना पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल रखना होगा, वरना समाज में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपकी दोस्ती व कंपैटिबिलिटी मूलांक 3, 6 और 9 वालों के साथ अच्छी होती है। मूलांक 4, 5 और 8 वालों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आपकी शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30। आपका शुभ दिन है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आपका शुभ रंग है पीला और केसरिया। पीले से संबंधित जितने भी शेड्स हैं, गोल्डन कलर, ये सब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।